हेलो दोस्तों, इसका जो काइल और उसका मेटल बॉडी के साथ हम लोग वापस टाइट कर रहे हैं, इसके बैक कवर के साथ लगा के स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी स्क्रू लगाने के बाद हम लोग इसे टेस्ट करेंगे, जो उसका टॉप कवर लगाने से पहले। अभी दो स्क्रू रहते हैं इसके बैक कवर के साथ, वो दो स्क्रू टाइट करेंगे। दो स्क्रू लगा के हम लोग इसको चेक करेंगे। ये जो बैक कवर जो है, जो उसका जो मेटल है, मेटल जो मैग्नेटिक कॉइल में जो मेटल है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसको पीछे की तरफ नहीं आने के लिए या फ्री मूवमेंट नहीं होने के लिए ये बैक कवर टाइट करके रखते हैं। अभी हम लोग इसका बैक कवर टाइट कर लिए, अभी कनेक्शन करके चेक करेंगे। अभी अभी कनेक्शन कर लिए, न्यूट्रल स्विच के थ्रू लगा दिए। दूसरा जो फेज है, डायरेक्ट टर्मिनल से उठा के हम लोग A1 में लगा दिए। और ये जो फेज है, आउटपुट से लेके इंडिकेटर में लगा दिए, इंडिकेटर में न्यूट्रल डायरेक्ट लगा दिए। अभी अभी ऑन ऑफ करके देख रहे हैं, अभी सही से चालू बंद हो रहा है। पहले कार्बन था यहाँ पर, इसी वजह से कभी लाइट ग्लो हो रहा था कभी। अभी आप देख सकते हैं, जो कंडक्टर का जो ऊपर का कवर हम लोग ओपन रखे हैं, ये बैन करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जा रहा है। हाँ, ऑफ करेंगे तो ऊपर वापस आ रहा है। जो उसके अंदर जो स्प्रिंग्स है, वो वापस पुश कर देते हैं जब ऑफ करने पर। ऑन करने पर जो जो पीछे मेटल बॉडी है, वो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर मेटल बॉडी को मैग्नेट जनरेट कर देता है। तो वो मैग्नेट इसको खींच लेता है, ये स्ट्रिप को अपने तरफ खींच लेता है मैग्नेटिक फील्ड से। जब बंद करेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है, तो वापस स्प्रिंग्स ऊपर पुश कर देते हैं तो पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह कॉन्टेक्टर्स चलते हैं, जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स हैं, सब कॉन्टेक्टर इसी फार्मूला से, इतने इसी तरह चलते हैं, इसी सिस्टम से, जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके अपने तरफ खींच लेता है तो ऑन हो जाता है। जब आप कॉइल में पावर विद्रा करेंगे तो ऑफ हो जाता है। तो ये सिंगल सिंगल पोल कॉन्टेक्टर है, इसमें 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल कॉन्टेक्टर्स भी मिलेंगे हमें। हम जैसा चूज करेंगे उसके एम्पेयर के रेटिंग के हिसाब से भी हमें कॉन्टेक्टर्स अवेलेबल है मार्केट्स में। ये हम लोग AC का कॉन्टेक्टर निकाल के इसे रिपेयर कर लिए। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।